निजाम में खामियां हैं, दोबारा उसके अंदर धांधली के इम्कानात हैं, तो वक्ती तौर पर इन असम्बलियों का फायदा उठा के आप इंतखाबी इस्लाहात कर लें, कुछ और ऐसी इस्लाहात जो नागुजीर हों, ताकि उस गंद का सफाया हो सके कि हम गदले पानी से तो निकले लेकिन दोबारा गदले पानी में न उतरे बल्कि शफाफ पानी में उतरे। तो इस हद तक अभी भी हम अपने मौकफ पे उसी तरह कायम हैं। मसलहत की भी हद होती है, इख्तदार और फिर उसको लंबा करना और गैर जरूरी तौर पर लंबा करना, ये शायद जमीयत उलमाए इस्लाम का मौकफ ना हो, और इस पर हम अपनी राय रखेंगे और इनके सामने भी हमारी राय बिल्कुल वाज़ह है जी।